हेलो नमस्कार दोस्तों, खबरी बॉस के ब्रेकिंग न्यूज की दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सरकार के आदेश के बाद लगातार बायोमेट्रिक उपस्थिति नहीं बनाने वाले पारा शिक्षकों का स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग भौतिक सत्यापन कराएगा। शिक्षा विभाग को इनके फर्जी होने का शक है। विद्यालयवार ऐसे शिक्षकों की जाँच की तैयारी की जा रही है। यह देखा जाएगा कि शिक्षक वर्तमान में कार्यरत हैं कि नहीं। दुर्गा पूजा के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जुलाई में 7,000 तो अगस्त में लगभग 15,000 पारा शिक्षकों ने बायोमेट्रिक उपस्थिति नहीं बनाई है। उल्लेखनीय है कि 2,000 से अधिक पारा शिक्षकों का मानदेय शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा पास नहीं होने के कारण रोका गया है। दोस्तों, राज्य के कई जिलों में पारा शिक्षकों की नियुक्ति में प्रक्रिया का पालन नहीं होने की बात सामने आई है। पलामू में 2 प्रखंडों के पारा शिक्षकों के मानदेय भुगतान पर भी रोक लगा दी गई। वर्तमान में इस मामले की जांच विधानसभा समिति द्वारा की जा रही है। कई जिलों में ऐसा मामला सामने आया है। पारा शिक्षकों की नियुक्ति ग्राम शिक्षा समिति से होती है, जिसका अनुमोदन प्रखंड व जिला शिक्षा समिति द्वारा किया जाता है। पारा शिक्षकों की नियुक्ति का प्रखंड व जिला शिक्षा समिति द्वारा अनुमोदन का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। दोस्तों, फिलहाल शपथ पत्र व उपस्थिति पंजी की जांच के बाद इन पारा शिक्षकों को मानदेय देने का निर्णय लिया गया है। राज्य में वर्तमान में कुल 63,117 पारा शिक्षक कार्यरत हैं। दोस्तों, राज्य में वर्ष 2009 के बाद पारा शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक के 10 वर्ष बाद भी पारा शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं हुआ है। इस संबंध में स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा बार बार निर्देश दिए जाने के बाद भी सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। पारा शिक्षकों की नियुक्ति के बाद से अब तक उनके रिकॉर्ड का सत्यापन नहीं हुआ है। राज्य स्तर पर इसका रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है। सभी जिलों को पारा शिक्षकों से जुड़ी जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया है, हालांकि यह अब तक नहीं हुआ है। इस संबंध में फिर से सभी जिलों को निर्देश दिया गया है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि वैसे पारा शिक्षक जो निर्देश के बाद भी बायोमेट्रिक उपस्थिति नहीं बना रहे हैं, उनमें कुछ शिक्षक फर्जी हो सकते हैं।